हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसूर की दाल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 50 ग्राम मसूर की दाल ली है। इसे धुलकर हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हम 2.5 ग्लास पानी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच पिसी हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ाएंगे और इसे 6 सीटी दिलाएंगे। और ये देखिए, दाल तैयार है। अब दाल के तड़के की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है थोड़े से लहसुन, 3 हरी मिर्च, 2 प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, इन सबको मैंने काट लिया है। और मैंने लिया है 3 टमाटर, इसे भी मैंने काट लिया है। आधा चम्मच जीरा लिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो पहले उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ा चटक जाए तब इसमें हम हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। और जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए तब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब ये गोल्डन फ्राई हो गया है, अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच पिसी हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच अमचूर डालेंगे। और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इस तड़के को अच्छे से भून लेंगे। और ये तड़का भुनकर तैयार है। अब इसमें हम मसूर की दाल को डाल देंगे। और ये देखिए, मसूर की दाल बनकर तैयार है। इसे आप रोटी से या चावल के साथ खाइए, ये दोनों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करिए कि ये आपको कैसा लगा।